ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 1/10/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज ज्ञान दाता, दिव्य दाता, आत्मा की पहचान देने वाले परमपिता परमात्मा ने हम रूहानी बच्चों से मुरली के महावाक्यों में कहा, मीठे बच्चे तुम बहुत ऊंच जाति के हो, तुम्हें ब्राह्मण से देवता बनना है, इसलिए गंदी विकारी आदतों को मिटा देना है। प्रश्न है किस बात का कनेक्शन इस पढ़ाई से नहीं है? उत्तर है ड्रेस आदि का कनेक्शन इस पढ़ाई से नहीं है। इसमें कोई ड्रेस बदलने की बात ही नहीं, बाप तो आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा जानती है यह पुराना पतित शरीर है, इसको कैसा भी हल्का सलका कपड़ा पहना हर्जा नहीं। शरीर और आत्मा दोनों ही काले हैं। बाप काले सांवरे को ही गोरा बनाते हैं, आत्मा को कपड़े को थोड़े गोरा काला बनाते हैं। कपड़ा जो शरीर रूपी कपड़ा है वो तो जब आत्मा एक कपड़े को छोड़ती है तो वो नष्ट हो जाता है, वो हूबहू थोड़े ना दूसरे जन्म में मिल जाता है ना। आपका ये तन जब आत्मा छोड़ेगी तो ये आत्मा जैसे ही छोड़ती है वैसे ही ये शरीर नष्ट हो जाता है। शरीर तो नश्वर है, 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। तो आत्मा को पढ़ाते हैं, आत्मा काली हुई है, आत्मा ही गोरी बननी है। ओम शांति। रूहानी बाप के सामने रूहानी बच्चे बैठे हैं रूहानी पाठशाला में। यह जिस्मानी पाठशाला नहीं है। हाँ, कोई यदि शरीर को सोचे या मुरली सुनते वक्त जो मुरली सुनाने वाली आत्मा रूपी शरीर को देखे तो गलत है ना। आत्मा सुनती परमात्मा से और परमात्मा ने अपने निमित्त आत्माओं को चुना है, कर्मेंद्रियों का सहारा लेकर के वो आत्मा इस ज्ञान को सुनती है, फिर जिसे अच्छी रूप अच्छी रीति धारण होता है वो निमित्त बन। बाबा ने उन निमित्त आत्माओं को चुना और ज्ञान को फैलाने के लिए अपना ही निमित्त चुना है ना। तो ज्ञान फैलाने वाले आत्माएं है ना कि शरीर है। तो रूहानी बाप के सामने रूहानी बच्चे बैठे हैं रूहानी पाठशाला में। यह जिस्मानी पाठशाला नहीं है। रूहानी पाठशाला में रूहानी बाप बैठ राजयोग सिखला रहे हैं। किसको? रूहानी बच्चों को। तुम बच्चे जानते हो हम फिर से नर से नारायण अथवा देवी देवता बन देवी देवता का पद प्राप्त करने के लिए रूहानी बाप के पास बैठे हैं। यूं ही तो नहीं कोई आकर के पढ़ाई कर लेगा, कुछ ना कुछ उनकी एम ए ऑब्जेक्ट तो होती ही है। तो बाबा कहते इस तरह से क्या सिखला रहे हैं रूहानी बच्चों को, नरसिंह नारायण देवी देवता पद प्राप्त करने के लिए रूहानी बाप के पास बैठे है ना। तो यह है नई बात। यह भी तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वे डबल सिर ताज थे, लाइट का ताज और रतन जड़ ताज दोनों थे। लाइट का ताज किसे कहते हैं? कि उधर जीवन तो होता है लेकिन मुक्त रहता है जीवन, है ना, बंधन नहीं होता, कर्म बंधन नहीं होता। आत्मा समझ अपना कर्म किया और जब ये शरीर 100 वर्ष 150 वर्ष की आयु का हो गया तो दूसरा कपड़ा अर्थात नया बचपन है ना, माँ बच्चे का शरीर ले लिया है ना। उस समय उधर बूढ़े नहीं होते, इसीलिए कहते हैं ना कि मनुष्य चाहता है कि हमारी
आयु जो है चिरायु हो, है ना, कभी ना मरने वाली हो, तो ऐसा तो असंभव है। लेकिन 150 वर्ष की आयु बिल्कुल पूरा, ना एक दिन कम ना एक दिन ज्यादा, उसे ही गोल्डन एज कहते हैं, उसे ही स्वर्ग कहते हैं, उसे ही वैकुंठ कहते हैं, जहाँ कोई रिंचक मात्र भी अप्राप्ति, कोई दुख नहीं होता, है ना। इस तरह से बाबा कहते हैं कि वहां क्या होता है, पवित्र होकर जाते हैं ना, तो लाइट का ताज और रतन जड़ित ताज दोनों होते हैं। पहले पहले होता है लाइट का ताज, जो होकर गए उनको सफेद लाइट दिखाते हैं, दिखाते हैं ना, तो यह है पवित्रता की निशानी, है ना। कोकोनट जैसे अंदर दिखाते हैं ना आपको, बिल्कुल वाइट, तो कोकोनट तोड़ते हैं क्या हो है? उसका वो है सिंबल, जो अंदर का वाइट है ना, वो आत्मा का सूचक है। बाकी सब जो बाहर है वो सब क्या है, हमारी देह है ना। तो अंतर है आत्मा, जो एकदम सफेद स्वच्छ निर्विकारी, तो वैसा ही बनना है, जो कि अभी नहीं है, है ना। तो पवित्रता की निशानी, हाँ, बाबा कहते हैं अपवित्र को कभी लाइट नहीं दिखाएंगे, तुम्हारा फोटो निकाले तो लाइट नहीं देख सकते, यह पवित्रता की निशानी देते हैं। लाइट और डार्क, तो ब्रह्मा का दिन लाइट, ब्रह्मा की रात डार्क। ब्रह्मा जब विष्णु रूपी विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं ना, जब सत्व प्रधान अवस्था होती है, तो वो छोरा, गांवड़े का छोरा दिखाया ना कृष्ण, सत्व प्रधान अवस्था में वो प्रिंस, फिर वही अपनी जो रजो एज में होता है, फिर वो लक्ष्मी नारायण बनते हैं, है ना। तो जो राधा और जो कृष्ण दिखाते ना, वो अलग अलग राज्य के हैं, एक ही उसके नहीं है, है ना। तो इस तरह से फिर वो ही बड़े होके लक्ष्मी नारायण बनते हैं। इस तरह बाबा कहते ब्रह्मा की रात डार्क और ब्रह्मा का दिन लाइट, अर्थात सुख की दुनिया में और दुख की दुनिया में भी, तो डार्क और लाइट। डार्क अर्थात उन पर लाइट नहीं है, तुम बच्चे जानते हो, बाप ही आकर इतने जो पतित अर्थात डार्क ही डार्क हैं, उनको पावन बनाते हैं। अब जो आप तो पवित्र राजधानी है नहीं, सतयुग में थे यथा राजा रानी तथा प्रजा, तो सब पवित्र थे, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इस पवित्र, बाबा कहते हैं इस तरह से जो लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो इस चित्र पर तुम बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाना है, सबको, पापा कहते तुम बच्चों को ना बहुत अच्छी रीति समझना है, ताकि तीर डायरेक्ट लग जाए बाबा के बच्चों को, है ना। तो ये लक्ष्मी नारायण अभी नहीं है, ये थे, है ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं अच्छी रीति समझाना है, यह है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट। अब ईश्वर को हम याद करते हैं, क्यों याद करते हैं, अब ऐसा कौन सा ज्ञान है, और ज्ञान है तो उस ज्ञान से हमें क्या प्राप्ति होनी है, और हम बाबा को क्यों याद करें, उन सब के पीछे कोई वजह तो होगी। तो यथार्थ रीति उन्हें जानना, समझना, मानना, प्रैक्टिकल में उनके साथ रिश्ता बनाना, और वो हमारे कौन है यह बात जानना, उनसे हमें क्या मिलता है इस बात को जानना समझना, तभी तो हम उन्हें याद करेंगे, और उनसे हमें जो प्राप्ति होती है तो हम उसको समझेंगे तो स्वतः ही याद आएगी। पापा कहते हैं इस तरह से यह तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट क्या है, लक्ष्मी नारायण बनने की, है ना, तो डबल सत्ताज बनने की और राजाई प्राप्त करने की, प्रारब्ध प्राप्ति मिलेगी ना। तो समझाने के लिए और भी अच्छे चित्र हैं, इसलिए इतने चित्र रखे जाते हैं। मनुष्य कोई फट से समझते नहीं है, 63 जन्मों से देह को ही सब समझ बैठे हैं ना, इस झूठी माया, झूठी काया, झूठे सब संसार, ऐसा कहते हैं ना, तो इस संसार को ही, इस काया को ही, इस दुनिया को ही हम सब कुछ समझ गए ना, इसी को ही सब कुछ मान बैठे, तो अब यूं ही एक पल में तो नहीं हटेगा ना, इससे बुद्धि नहीं हटा पाएंगे। तो बाबा कहते कोई फट से थोड़ी समझते हैं, सब नहीं समझेंगे कि हम इस याद की यात्रा से तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे, फिर मुक्ति व जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। जो आत्माएं सतयुग में आएंगी, तो वो जीवन होते हुए भी मुक्तावस्था में रहेंगी, और बाकी
जीवन मुक्ति में चली जाएंगे, है ना। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति, मुक्ति अर्थात जहाँ आत्माओं का घर है, फिर वो पिछाड़ी में आती हैं, है ना। सतयुगी आत्माएं तो जीवन के साथ आएंगी मुक्त अवस्था में, और मुक्ति में रहेंगी, बाकी तो दुनिया में किसको पता नहीं कि जीवन मुक्ति किसको कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था यह भी किसको पता नहीं है। अब तुम जानते हो हम बाप से पवित्रता का देवी स्वराज्य ले रहे हैं। चित्रों पर तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। मंदिर में जो विराजमान मूर्तियां हैं उनमें इतनी मतलब कहना चाहिए आकर्षण क्यों होता है, क्योंकि वो प्योरिटी पवित्र से भरपूर थी ना। तो उस तरफ कोई बेवड़ा भी होगा, कोई पागल भी होगा, कितना भी ना समझ होगा, यदि मंदिर के सामने से गुजरेगा, वो ड्रिंक भी भले कितना भी तुल होगा ड्रिंक से, शराब से, शराब के नशे में भी, वो आपने कई बार देखा होगा कि ऐसी भासना रहती है, देवी देवता में ऐसी पवित्रता होती थी कि चाहे छोटा बालक हो या बूढ़ा हो या कोई शराबी हो, शराब के नशे से चूर हो, तो भी वहां मस्तक जरूर टेकेगा। क्यों? क्योंकि उनमें वो शक्तियां थी, अब ऐसा किसी में है नहीं, उनमें प्योरिटी है। वो मंदिर के जो वाइब्रेशंस हैं वो इतने प्योरिटी और इतने पवित्र होते हैं, इतने पॉजिटिव होते हैं, इतने पावरफुल होते हैं, जिसकी वजह से वहां कोई भी विकारी आत्मा विकारों से जा ही नहीं सकती, है ना। तो वो नतमस्तक जरूर होगी, है ना, हाथ जोड़ेगी और वहां कुछ ना कुछ माँ को प्रणाम करेगी, हाँ, मंदिर में दर्शन के लालसा से, और बाहर से ही निकल जाएगी लेकिन नतमस्तक होके जरूर जाएगी। तो यह है प्योरिटी की वजह से, है ना, वो जो उनमें विकार नहीं होने से वहां ऐसी भासना जागती है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से यह किसको पता नहीं है कि लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था। अब तुम जानते हो हम बाप से पवित्रता का देवी स्वराज्य ले रहे हैं। बाबा कहते हैं यह सब तुम अच्छी रीति चित्रों पर समझा सकते हो। भारत में ही डबल सिर ताज वालों की पूजा करते हैं, ऐसा चित्र भी सीढ़ी में है, सीढ़ी में दिखाया है ना। तो वह ताज है परंतु लाइट का ताज नहीं है, पवित्र की ही पूजा होती है ना। कन्याएं जब तक रहती हैं, जब तक उनका एज नहीं होता है ना, और जब तक उनका विवाह नहीं होता है, तो सब कन्याओं के आगे झुकते हैं, उन्हें देवी मानते हैं, है ना, क्योंकि वो विकारों में नहीं रहती है ना। तो उन्हें कन्याएं अर्थात पवित्र तक पवित्र होने से पूजा होती है। जब अपवित्र कोई हो जाता है तो फिर उनको कहाँ पूजते, उल्टा वो नतमस्तक, वो सर झुकाने लगते हैं सबके सामने, है ना, शादी के बाद, क्योंकि वो विकारों में चली जाती है। तो फिर उसकी वो प्योरिटी नहीं होती, तो फिर वो ही सबके सामने झुकने लग जाते हैं। तो यह बातें सब बुद्धि से समझने की है। बाबा कहते हैं जब पवित्र की पूजा होती है, लाइट है पवित्रता की निशानी, बाकी ऐसे नहीं कि कोई तख्त पर बैठने से ही लाइट निकलती है ना। तो जब आत्मा पवित्र होती है तो उसकी पूजा होती है। लाइट माना जो हमारा निज गुण है हमारी आत्मा के हैं, और जो हमारा अव्यक्त है, अव्यक्त रूप कौन सा है, आत्मा का लाइट स्वरूप है ना, बाप समान आत्माएं हैं ना। तो इस तरह बाबा कहते हैं लाइट ऐसे निकलती है, ऐसा कुछ नहीं है तख्त पर बैठने से, नहीं, यह पवित्रता की निशानी है। तुम अब पुरुषार्थी हो इसलिए तुम पर लाइट नहीं दे सकते, अभी हम बने नहीं ना, पुरुषार्थी हैं, बाबा कहते तो लाइट कैसे दे सकते। देवी देवताओं की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र रहते हैं, ये शरीर भी अभी पतित है ना। तो बाबा कहते हैं इस संसार में जो भी है, चाहे वो संत आत्मा हो, चाहे महात्मा हो, चाहे धर्मात्मा हो, सब कैसी हैं, सब विकारों से पैदा हुई ना। वो भल घर घर छोड़ करके प्योरिटी को अपना करके प्योरिटी में चल रहे हैं, लेकिन है तो तन विकारी। तो बाबा कहते हैं वहां दोनों ही पावन रहेंगे, आत्मा भी और शरीर भी, है ना। बाबा कहते इसीलिए अभी हम क्या हैं,
कहना चाहिए, बाबा कहते लाइट नहीं दे सकते हैं, है ना। तो तुम्हारे में कोई तो पूरा पवित्र रहते हैं, कोई फिर सेमी पवित्र रहते हैं, है ना। बाबा ने अर्धकुमारी भी कहा है ना, अर्धकुमारी अर्थात विवाह उपरांत जब ज्ञान में चलने लग जाते हैं तब फिर पवित्रता को धारण करते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कोई फिर सेमी पवित्र रहते हैं, माया के तूफान बहुत आते हैं तो उनको सेमी पवित्र कहेंगे, कोई तो एकदम पतित बन पड़ते हैं ना, कोई तो बिल्कुल ही पतित बन पड़ते, खुद भी समझते हैं हम पतित बन गए हैं, आत्मा ही पतित बनती है, उनको लाइट दे नहीं सकते। तुम बच्चों को यह भूलना नहीं चाहिए कि हम ऊंचते ऊंच बाप के बच्चे हैं, तो कितनी रॉयलिटी होनी चाहिए। समझो कोई मेहतर है, वह MLA वह MP बन जाते हैं, MLA और MP बन जाते हैं, अथवा पढ़ाई करके कोई पोजीशन पा लेते हैं तो टिप टॉप हो जाते हैं, ऐसे बहुत हो गए हैं। जाति फल वही है बाबा कहते, परंतु पोजीशन मिलने से नशा चढ़ जाता है, फिर ड्रेस आदि भी ऐसी ही पहनेंगे, है ना। रॉयल फैमिली वाले कैसे होते हैं, तो वो भी मनुष्य, लेकिन वो रॉयल होने की वजह से टिप टॉप और अपने कपड़े पर भी ध्यान देते हैं, अपने रंग रूप पर भी ध्यान देते हैं, है ना। तो है तो वो सेम, लेकिन आत्मा पढ़ लिख करके ऐसी पोजीशन पे ऐसे मर्तबा प्राप्त कर लेती है तो फिर वो टिप टॉप हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत हो गए हैं बाबा कहते हैं, परंतु पोजीशन मिलने से नशा चढ़ जाता है। बाबा कहते हैं फिर ड्रेस आदि भी ऐसे ही पहनेंगे, वैसे अब तुम भी पढ़ रहे हो पतित से पावन बनने के लिए, वह भी पढ़ाई से डॉक्टर बैरिस्टर आदि बनते हैं, तो शरीर तो नहीं बनता, आत्मा पढ़ती है, आत्मा बनती है शरीर के द्वारा, है ना, कर्मेंद्रियों के द्वारा पढ़ती है। तो इस तरह परंतु पतित तो है ना, क्योंकि उन्हों की पढ़ाई कोई पावन बनने के लिए नहीं है, डॉक्टर इंजीनियर का ज्ञान से कोई दुनिया को सदगति नहीं मिल जाएगी, है ना। उससे तो वो शरीर निर्वाह मात्र अपना जो लोग एक जन्म का फ्यूचर बनाने के लिए या शान शौकत और अपने सपने, कौन से सपने पूरे करने के लिए, जो इस जीवन के घर कार बंगला ऐसे सब कहना चाहिए भौतिक सुख सुविधाओं के लिए अपने फ्यूचर बोलते हैं ना, उससे फ्यूचर, तो बाबा ने जो फ्यूचर दिया वो तो 21 जन्मों की कमाई का फ्यूचर बाबा हमें दे रहे हैं ना, आदि आदि कल्प के सुख के लिए यह पढ़ाई है। तो डॉक्टर इंजीनियर से थोड़े ना बाबा कहते हैं कोई पावन बनने की पढ़ाई उन्हें पढ़ाई जाती है ना। तो तुम तो जानते हो हम भविष्य में पवित्र देवी देवता बनते हैं तो शूद्रपने की आदतें मिटती जाएंगी, है ना, धीरे धीरे, एकदम नहीं जाती। तो अंदर में यह नशा रहना चाहिए कि हमको परमपिता परमात्मा डबल सिरताज बनाते हैं, हम शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं, फिर देवता बनेंगे तो फिर वह गंदी बिकारी आदतें मिट जाती हैं। आसुरी चीजें सब छोड़नी पड़े, मेहतर से MP बन जाते हैं तो रहन सहन मकान आदि सब फर्स्ट क्लास बन जाते हैं, उन्हों का तो है इस समय के लिए, बाबा कहते हैं। तुम तो जानते हो कि हम भविष्य में क्या बनने वाले हैं, अपने साथ ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए, हम क्या थे, हम अभी क्या बने हैं, तुम भी शूद्र जाति के थे, अब विश्व के मालिक बनते हो। बाबा कहते जब कोई ऊंच पद पाता है तो फिर वह फखुर रहता है, तो तुम भी थे कौन, बाबा कहते पतित छीछी दुनिया थे, अब तुमको भगवान पढ़ाकर बेहद का मालिक बनाते हैं, यह भी तुम समझते हो। परम पिता परमात्मा जरूर यहाँ ही आकर राजयोग सिखलाएंगे, दूर देश के रहने वाली आत्माएं तुम सब हो, क्यों, क्योंकि हम कल्प बाद बाबा से मिलते हैं, है ना। तो आकर यहाँ पाठ बजाती हो, 84 जन्मों का पाठ बजाना ही है, वह तो कह देते हैं 84 लाख योनिया,
कितना घोर अंधियारे में है। अभी 5,000 वर्षों में तो भूख से मर रहे हैं, एक्सीडेंट से अकाल मृत्यु हो रही है, विधवा हो जाते हैं, बच्चे गर्भ में मर जाते हैं, कहीं अतिवृष्टि है, कहीं अनावृष्टि है, कहीं सुनामी है, कहीं कुछ है, कहीं किसी के पास में एसी कार है तो किसी के पास में खाने को एक समय का खाना भी नहीं है, किसी के पास में कहना चाहिए पैदल चलने के लिए चप्पल जूते नहीं है पैरों में, किसी के पास में देखो तो खुद के चौपर हवाई जहाज है ना, विमान है। तो देखिए अभी ये हालत है, रहने को जगह नहीं, खाने को खाना नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, छत नहीं है लोगों के पास में। तो 5,000 वर्षों में जब ये हालात है, अगर 84 लाख होते तो आप सोच सकते हैं कि दुनिया कैसे चल पाएगी, है ना। यह सब समझने की बातें हैं और उस परमात्मा के महावाक्यों पर विश्वास करने का है। जब आपने दिन रात पर 24 घंटों पर आपने नए जो इंग्लिश कैलेंडर, हिंदी कैलेंडर, इतने तीज त्योहार, इतने फेस्टिवल्स के ऊपर फेथ किया, आपने अमावस्या पूर्णिमासी पर फेथ किया, आपने ना जाने क्या क्या बातों पर विश्वास किया, मनुष्यों की बनाई जीवन कहानी पर विश्वास किया, तो क्या ये ईश्वरीय महावाक्यों पर आपको विश्वास नहीं है, है ना। तो ये सब बातें समझने की है। बाबा कहते कितना घोर अंधियारे में है, 84 लाख योनिया कह देते, अभी तुम समझते हो 5,000 वर्ष पहले हम देवी देवता थे, अब तो पतित बन गए हैं, गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ हमको पावन बनाओ, परंतु समझते नहीं हैं अपने, अभी बाप स्वयं पावन बनाने आए हैं, राजयोग सिखा रहे हैं, पढ़ाई बिगर कोई ऊंच पद पा नहीं सकते। तुम जानते हो बाबा हमको पढ़ाकर नरसिंह नारायण बनाते हैं, एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, प्रजापद कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है, चित्र भी लक्ष्मी नारायण का है, ऐसे चित्र कहाँ रख पढ़ाते होंगे, तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है, हम 84 जन्म ले पतित बने हैं, सीढ़ी का चित्र बड़ा अच्छा है, यह पतित दुनिया है ना, इसमें साधु संत सब आ जाते हैं, वह खुद भी गाते रहते हैं पतित पावन आओ, पतित दुनिया को पावन बनाओ, हाँ दुनिया को पावन दुनिया नहीं कहेंगे, बाबा कहते पतित दुनिया को पावन दुनिया नहीं कहेंगे ना, नई दुनिया है पावन दुनिया, पुरानी पतित दुनिया में कोई पावन रह ना सके, इसीलिए कहते हैं देवी देवताओं के धरनी पर पैर नहीं पड़ते, क्योंकि ये धरनी तो पतित है ना, पावन धरनी पर देवी देवता के पैर पड़ते हैं, है ना, कोई स्वर्ग में नहीं रहते हैं, इसी धारा को पावन बनाना होता है। और पतित पावन बाप आ करके आत्माओं को पावन बना करके, ये पतित तन को भी छुड़ा करके उस संसार को यहाँ ही हम आत्माओं, हम मनुष्यों के द्वारा ही यहाँ उस संसार की स्थापना स्वयं रचता बाप रचना के द्वारा कराते हैं, है ना। तो इस तरह से कर्म भ्रष्ट हो जाता है, तो कर्मों को श्रेष्ठ बना करके, कर्म हमसे ही करा करके, और कर्मों की गुहा गति का, सदगति दुर्गति का राज बता करके, फिर हमारी सदगति स्वयं परमात्मा आकर के सर्व आत्माओं को सदगति दिलाते हैं। तो ये सब बातें बाबा बैठ समझाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए, हाँ? तो बाबा कहते हैं कि जब पतित दुनिया में कोई पावन रह ना सके, तो तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए कि हम गॉडफादरली स्टूडेंट हैं, ईश्वर हमको पढ़ाते हैं, हाँ? हम ईश्वरीय स्टूडेंट हैं, गरीबों को ही बाप आकर पढ़ाते हैं, जिनके पास में स्थूल धन है, धन माया है, वो तो इस दुनिया में ही हाँ स्वर्ग समझते हैं ना, तो बाबा तो गरीबों को आकर के पढ़ाएंगे, दुखियों को आकर के पढ़ाएंगे, गरीब निवास है ना बाप, तो गरीबों के कपड़े अति मैले होते हैं ना,
होते हैं कि नहीं, तो तुम्हारी आत्मा तो पढ़ती है ना, आत्मा जानती है यह पुराना शरीर है, इनको तो हल्का सलका कोई भी कपड़ा पहना जाए पहनाया जाए तो हर्ज नहीं, इसमें कोई ड्रेस आदि बदलने की व भव का करने की बात नहीं है, ड्रेस के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं। बाप तो आत्माओं को पढ़ाते हैं, शरीर तो पतित है, इन पर कितना भी अच्छा कपड़ा पहनो परंतु आत्मा और शरीर पतित है ना। कृष्ण को सांवरा दिखाते हैं ना, तो उनकी आत्मा और शरीर दोनों काले थे, गांवड़े का छोरा था, तुम सब गांवड़े के छोरे थे, दुनिया में मनुष्य मात्र निधन के हैं, बाप को जानते ही नहीं। जब बाप को नहीं जानेंगे तो निधन का ही बनेंगे ना, जब अपने ही धनी को नहीं जानेंगे तो निधन की ओर जाते हैं, है ना। बाबा कहते हैं हद का बाप तो सबको है, शरीर रूपी पिता तो सबको है ना, तो बेहद का बाप तुम ब्राह्मणों को ही मिला है। अब बेहद का बाप तुमको राजयोग सिखला रहे हैं, भक्ति और ज्ञान। भक्ति का जब अंत हो तब फिर बाप आकर ज्ञान दे, अभी है अंत। सतयुग में यह कुछ भी होता नहीं, अभी पुरानी दुनिया का विनाश आकर पहुंचा है। पावन दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है, चित्रों में कितना क्लियर समझाया जाता है, राधे कृष्ण की फिर लक्ष्मी राधे कृष्ण ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं, यह भी किसको पता नहीं है। तुम जानते हो दोनों ही अलग अलग राजधानी के थे, तुमने स्वर्ग का स्वयंभर भी देखा है। पाकिस्तान में तुम बच्चों को बहलाने के लिए सब साज थे, सब साक्षात्कार तुमको होते हैं, है ना। बाबा को साक्षात्कार हुआ है ना सब, कि कैसे बाबा कहते हैं कि कैसे बच्चों को बहलाने के लिए सब साज थे, तो अभी तुम बच्चे जानते हो। हम राजयोग सीख रहे हैं, यह भूलना नहीं है। भल रसोई का काम करते हैं अथवा बर्तन मांजते हैं, परंतु पढ़ती तो सबकी आत्मा है ना, हाथ से या मुख से थोड़ी कोई पढ़ता है, आत्मा पढ़ती है। मन बुद्धि और संस्कार बाबा ने कहा है ना, तो मन बुद्धि के विमान में बैठो और बाबा की याद में रहो, और बाबा के याद में रहते रहते हर एक बात को महावाक्य को मनन चिंतन करो, और बस बाबा बाप समान आप समान आत्मा बनो, है ना। तो बाबा कहते हैं बर्तन मांजते हैं पर पड़ती तो आत्मा है ना, तो यहाँ सब आकर बैठते हैं, इसलिए बड़े बड़े आदमी आते नहीं हैं। तो समझते हैं यहाँ तो सब गरीब ही हैं, इसलिए लज्जा आती है। बाप तो है ही गरीब निवास, कोई कोई सेंटर पर मेहतर भी आते हैं, कोई मुसलमान भी आते हैं। बाप कहते हैं देह के सब धर्म छोड़ो। अब ये जो इंजेक्शन लगा है धर्मों का, वो किसने लगाया? क्या भगवान ने लगा कर भेजा है? नहीं, यह सब तो यहाँ आकर के धर्मों को जो अलग अलग बनाया है वह सब मनुष्यों की मत है, ना कि भगवान की। भगवान का तो सर्व आत्माएं एक समान, बाप की संतान। जब हम इस संसार में इस व्यक्त तन को लिया तब इस संसार में हम वर्णों में आए, फिर जब हमारे बड़े हुए तब हम रिश्तों में बंधे, तब फिर हमारे भाई बहन माता पिता पति पत्नी बच्चे दादा दादी काका काकी नाना चाचा, ये सब बाद में हुए ना। पहले तो हम क्या हैं, मैं कौन मेरा कौन, फिर बाद में जब पार्ट में आए, फिर परिवार हुए, फिर धर्म हुए, फिर समाज हुए, इस तरह से ये सब मनुष्यों की देन है। भगवान की देन तो सिर्फ और सिर्फ आत्मा और राम राज्य है, है ना। रावण ने फिर जब रावण द्वापर में जब ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ ना, तब फिर लोग मनुष्य बच्चे बाबा के अलग अलग जगह पर शरीर निर्वाह मात्र ना जाने कौन कौन सी दुनिया में जाकर के रहने लगे, है ना। तो इस तरह से बाबा हमें समझाते हैं कि पहले विश्व एक है, फिर विश्व के टुकड़े किए, चांद के टुकड़े किए, तारों के टुकड़े किए, चांद सूरज के टुकड़े किए,
जब संसार में ऐसे ऐसे फिर बाबा कहते हैं ना कि ये जो संसार बसाया है पानी पर दुनिया बनी है, पेड़ पौधों जंगलों को उजाड़ करके दुनिया बनाई है, वो मनुष्यों की बनाई है ना। तो इसीलिए जब अमेरिका और ये सब जो बाद में आए हैं है ना, कुछ बाबा कहते हैं जो ज्यादातर तो ये 100 वर्षों में ही ज्यादातर स्थापना हुई है ना, तो फिर उनका विनाश होगा, तब तो एक धर्म एक राज्य आएगा, डिटीज्म धर्म आएगा है ना। तो ये दुनिया तो बसी बसाई मनुष्यों की है, तो फिर उसे वापस जाना होगा है ना। जो देवी देवता हैं वो हैं भगवान की बसी दुनिया है ना। बाबा कहते हैं जब इंडिया में दिन होता है तो वहां रात होती है, कहीं शाम होती है तो कहीं धूप रहती है, तो ये टुकड़ों में बांट दिया ना है ना। तो ये तो मांडव को लाइट देने वाले हैं, जब सूरज निकला तो दिन हो गया और जब चांद निकला तारे निकले तो रात हो गई। तो ये मांडवों पर जलने वाले दिन रात करने वाले लाइट हैं है ना। इस तरह बाबा हमें समझाते हैं ना। तो बाबा कहते कोई कोई सेंटर्स पर मेहतर भी आते हैं ना, तो कोई मुसलमान भी आते हैं। बाप कहते हैं देह के सब धर्म छोड़ो, हम गुजराती हैं, हम फलाना है, यह सब देह अभिमान है, यहाँ तो आत्माओं को परमात्मा पढ़ाते हैं ना। बाप कहते हैं मैं आया भी हूँ साधारण तन में, हम छोटे छोटे परिवार नहीं है, हम ईश्वरीय संतान विश्व परिवार है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई का जो टाइटल है वो क्यों है? क्योंकि हम सर्व आत्माएं एक पिता की संतान है। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, आत्मा जब एक तन छोड़ दूसरा तन लेती है तो कोई दिल में कोई हाथ में फिट नहीं हो जाती, आत्मा अकाल तख्त पर ही विराजमान होती है, भ्रकुटी के बीच विराजमान होती है। इसीलिए इसे अकाल तख्त कहते हैं, आत्मा का कोई काल नहीं है ना, आत्मा तो अविनाशी है। तो इसीलिए बाबा ने यह सब बातें समझाई हैं कि हम सब आपस में एक पिता की संतान भाई भाई हैं है ना, फिर बाद में भाई बहन बने। तो बाबा कहते हैं आत्मा का कोई रंग रूप नहीं है, आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है ना। आत्मा इसीलिए शांति और प्रेम और आनंद चाहती है क्योंकि वो है ही आत्मा छोटी ना, बचपन भाई आत्मा सुख शांति स्वरूप है उसका है ना। तो यही बाबा कहते हैं शांत स्वरूप है, इसीलिए बार बार शांति की मांग करती है। शरीर क्या है, ये स्थूल चीजों का आदि हो गया है तो वो यही सब चाहता है, लेकिन आत्मा तो सिर्फ सुख शांति चाहती है क्योंकि वो है ही शांत स्वरूप, ओम शांति। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो आत्माओं को परमात्मा पढ़ाते हैं, बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आया हूँ, तो साधारण के पास साधारण ही आएंगे, यह तो समझते हैं, यह तो जोहरी था। बाप खुद रिमाइंड कराते हैं कि कल्प पहले भी हमने कहा था कि हम साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, नथिंग न्यू। बहुत जन्मों के अंत में भी, अंत के भी अंत, अंतिम जन्म में मैं प्रवेश करता हूँ। इनको कहते हैं कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, सिर्फ एक अर्जुन को तो घोड़े गाड़ी के रथ में बैठ ज्ञान नहीं दिया ना, वहां अर्जुन को शरीर के साथ दिखाया है, जबकि बाबा ने तो परमात्मा का ज्ञान तो आत्माओं के लिए था, तो सभी आत्माओं के लिए था। बाबा कहते हैं सिर्फ एक घोड़े गाड़ी के रथ में ज्ञान तो अर्जुन को सिर्फ नहीं दिया होगा ना, उसे पाठशाला कहा जाएगा ना, युद्ध का मैदान है, यह पढ़ाई है, बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए, हमको पूरा पढ़कर डबल सिताज बनना है, अभी तो कोई ताज नहीं है, भविष्य में डबल सताज डबल ताजधारी बनना है। द्वापर से लाइट चली जाती है क्योंकि देवी देवता फिर माँ देवी देवता नहीं कहलाते, वो वाम मार्ग में गिरने से कामचित्ता पर बैठ काले हो करके मनुष्य योनि अर्थात रावण राज्य में आ जाते हैं। तो द्वापर से लाइट चली जाती है तो फिर सिंगल ताज रहता है, इतने भी कनिष्ठ नहीं बनते हैं, इतना भी दुख वहां नहीं होता है, लेकिन तमो प्रधानता पूरी तरह से हावी हो जाती है कलयुग में है ना। और बाबा कहते हैं कि सिंगल ताज वाले डबल ताज वालों को पूछते हैं
है ना, क्योंकि सिंगल ताज रहता है ना, तो फिर डबल ताज वालों को पूछते हैं, यह भी निशाने जरूर होने चाहिए। बाबा चित्रों के लिए डायरेक्शन देते रहते हैं, तो चित्र बनाने वालों को तो मुरली पर बहुत अटेंशन देना पड़े। चित्रों पर किसी को भी समझाना बड़ा सहज होता है, जैसे कॉलेज में नक्शे पर दिखाएंगे तो बुद्धि में आएगा, है ना, आ जाएगा ना, यूरोप उस तरफ है, आइसलैंड है, लंदन उस तरफ है, नक्शा ही नहीं देखा होगा तो उनको क्या पता यूरोप कहाँ है, नक्शा देखने से झट बुद्धि में आ जाएगा। और अब तो देखिए, लोगों को जहां भी जाना है, विश्व के किसी भी कोने में जाना है, तो मैप के थ्रू जा सकते हैं। आप टैक्सी में ऑन कर लीजिए जीपीएस, क्या बोलते हैं, उसके थ्रू आप कहाँ खड़े हुए हैं, किस प्लेस में खड़े हुए हैं और आपको किस डायरेक्शन में मोड़ना है, तो जैसे आप कार का हैंडल, जैसे ही आप बाइक का हैंडल मोड़ते हैं, तो आपको जहाँ जिस प्लेस में आपको जाना है वो दिखाता रहेगा, और जिधर आप हैं वो दिखाता रहेगा, और जिधर जाना है वो भी आपको शो होता रहेगा। तो यही सब बातें तो बाबा कहते हैं ना कि नक्शे को देखने से झट बुद्धि में आ जाएगा। अब तुम जानते हो ऊपर में है पूज, डबल सिर ताज देवी देवताएं, फिर नीचे आते हैं तो पुजारी बनते हैं। दिखाया है ना सीढ़ी कैसे उतरते हैं। तो सबसे पहले हम कहाँ रहते हैं, 16 कलाओं में संपूर्ण निर्विकारी हम जब सूर्यवंशी घराने में होते हैं, फिर 8, 12, 21 जन्म दिखाए हैं ना, तो 1250 वर्ष बाद हम सीढ़ी उतरते हैं तो कहाँ आ जाते हैं, त्रेता में, जब हम क्या हो जाते हैं, राम चंद्रवंशी में आने से हम राम सीता का दिखाते हैं, है ना, तो वहां भी हम पूज्य रहते हैं, श्रेष्ठ रहते हैं, हमारा ताज नहीं खोता वहां, लेकिन दो कलाएं कम हो जाती हैं, है ना, तो वहां फिर 1250 वर्ष की सीढ़ी फिर भी दिखाई है। तो हम ऐसे गोल्डन एज में, फिर सिल्वर एज में, जहां हम महाराजा महारानी से राजा रानी बन जाते हैं, फिर द्वापर में आकर के कॉपर एज में आ जाते हैं, फिर द्वापर के बाद में 1250 1250, लेकिन वहां जन्म जास्ती हो जाते हैं, है ना, 8, 12, 21, 42 जन्म दिखाए हैं ना, तो फिर वहां द्वापर से बाबा कहते हैं कि क्या होते हैं, हम पूज्य से पुजारी बनते हैं, सीढ़ी उतरते हैं ना, तो यह सीढ़ी तो बड़ी सहज है, जो कोई भी समझ सकते हैं, परंतु कोई कोई की बुद्धि में कुछ बैठता ही नहीं है। और देखिए, जास्ती मनुष्य आत्माएं इतने जास्ती क्यों बढ़ जाते हैं, क्योंकि विकारों से जन्म होता है। जब पेड़ सतयुग में बहुत छोटा होता है, क्योंकि वहां योग बल से कोई 10-10, 20-20 बच्चे तो नहीं होंगे ना, और वहां एक ही पिता होता है, सिर्फ आपका शरीर रूपी लौकिक पिता, है ना, और वहां क्योंकि दुख नहीं होता, तो हम उस पारलौकिक पिता को याद नहीं करते, क्योंकि सुख में सुमिरन नहीं करता ना कोई भी भगवान का, अपने बेहद के बाप को कोई नहीं बुलाता, दुख में सुमिरन करते हैं। तो शुरुआत द्वापर से होती है दुख की, और द्वापर से ही फिर हम भक्ति में आते हैं, और भक्ति फिर धीरे धीरे जब जास्ती होती जाती है, क्योंकि जास्ती दुख होते जाते हैं तो ज्यादा याद करते हैं, लेकिन अयथार्थ शक्ति नहीं होती भक्ति में, है ना, ज्ञान में यथार्थ रीति होती है। इस तरह समझ मिलती हमें तीसरे नेत्र की, ज्ञान चक्षु देते हैं ना बाबा हमें, तीसरा नेत्र समझ का, और समझदार बनाते हैं, तो हम सुखी होते हैं समझदार बन करके। ओम शांति। बाबा कहते हैं सीढ़ी तो बड़ी सहज है, जो कोई भी समझ सकते, परंतु कोई कोई की बुद्धि में कुछ बैठता ही नहीं है, तकदीर ही ऐसी है। स्कूल में पास ना पास तो होते ही हैं, तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ भी नहीं होता, बीमार पड़ जाते हैं, पढ़ ना सके, कोई तो पूरा पढ़ते हैं, परंतु फिर भी वह है जिस्मानी पढ़ाई, यह है रूहानी पढ़ाई, इसके लिए सोने की बुद्धि चाहिए। बाप सोना जो एवर प्योर है, उसको याद करने से वैसे ही बनेंगे ना, तो तुम्हारी आत्मा सोनी बनती जाएगी। कहा जाता है कि यह तो जैसे एकदम ठिकर बुद्धि है, वहां ऐसे नहीं कहेंगे, वह तो स्वर्ग था, वहां कोई भी ठिकर बुद्धि वाला नहीं रहता, यह भूल गए हैं कि भारत स्वर्ग था,
यह भी कहाँ प्रदर्शनी में समझा सकते हो, फिर रिपीट भी करा सकते हो। प्रोजेक्टर में यह नहीं हो सकता है। पहले पहले तो यह त्रिमूर्ति, लक्ष्मी नारायण और सीढ़ी के, बाबा कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण के चित्र में है ना, सीढ़ी का चित्र बहुत जरूरी है। यह लक्ष्मी नारायण के चित्र में सारा 84 जन्मों का नॉलेज आ जाता है। बाबा कहते बच्चों का सारा दिन यही चिंतन चलना चाहिए कि हर एक सेंटर में मुख्य चित्र तो जरूर रखने हैं, चित्रों पर अच्छा समझ सकेंगे। ब्रह्मा द्वारा यह राजधानी स्थापन हो रही है। हम है प्रजापिता के बच्चे, ब्रह्म कुमार कुमारियां, ब्राह्मण है ना, ब्रह्मा मुख वंशावली, कुख वंशावली नहीं, ब्रह्मा मुख वंशावली, स्वयं परमपिता परमात्मा द्वारा अडॉप्ट किए, इस बाबा के द्वारा बाबा ने हमें अडॉप्ट किया है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से चित्र तो जरूर रखने चाहिए, है ना। बाबा कहते हैं बच्चों का सारा दिन चिंतन चलना चाहिए, हर एक सेंटर में मुख्य चित्र रखने चाहिए, चित्रों पर अच्छा समझा सकेंगे। बाबा कहते हैं ब्रह्मा द्वारा राजधानी स्थापन हो रही है, हम प्रजापिता ब्रह्मा के, मैंने रिपीट किया, ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। आगे हम शूद्र वर्ण के थे, अभी हम ब्राह्मण वर्ण के बने हैं, फिर देवता बनना है। श्री बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे। फिर यह सीढ़ी कैसे उतरे, क्या से क्या बन जाते हैं, एकदम जैसे बुद्ध बन जाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण भारत में राज्य करते थे, भारतवासियों को पता होना चाहिए ना। फिर क्या हुआ, कहाँ चले गए, क्या इन्हों पर कोई ने जीत पाई, उन्हें उन्होंने लड़ाई में कोई को हराया, ना कोई से जीता ना हारा, यह तो सारी माया की बात है। रावण राज्य शुरू हुआ और पांच विकारों में गिर राजाई गवाई, फिर पांच विकारों पर जीत पाने से वह बनते हैं। अभी है रावण राज्य का वैभव का, हम गुप्त रीति अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। तुम कितने साधारण हो, पढ़ाने वाला कितना उच्चते उच्च है, और निराकार बाप पतित शरीर में आकर बच्चों को ऐसा लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। दूर देश से पतित दुनिया पतित शरीर में आते हैं, सो भी अपने को लक्ष्मी नारायण नहीं बनाते, तुम बच्चों को बनाते हैं। हाँ, बाप को थोड़े ना कुछ चाहिए, तभी तो निरहंकारी और निर्विकारी और निस्वार्थ कहते हैं ना। उन्हें यहाँ आकर के थोड़े ना सब कुछ लेकर के इस संसार में आकर के राजाई लेना है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चों को बनाते हैं, परंतु पूरा पुरुषार्थ नहीं करते हो, बनने के लिए दिन रात पढ़ना और पढ़ाना है। बाबा दिन प्रतिदिन बड़ी सहज युक्तियां समझाते रहते हैं, लक्ष्मी नारायण से ही शुरू करना चाहिए। उन्होंने 84 जन्म कैसे लिए, फिर अंतिम जन्म में पढ़ रहे हैं, फिर उन्हों की डिनाइस्टी बनती है। कितनी समझाने की बातें हैं, चित्रों के लिए बाबा डायरेक्शन देते हैं, कोई चित्र तैयार किया झट बाबा के पास भाग आना चाहिए, बाबा करेक्शन कर सब डायरेक्शन दे देंगे। बाबा कहते हैं सांबल शाह हो, हुंडी भर जाएगी, कोई बात की परवाह नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको शरीर निर्वाह के लिए चिंता करने की बात हो गई है, तो बाबा कहते हैं कोई बात की परवाह नहीं है, इतने ढेर बच्चे बैठे हैं, बाबा जानते हैं किससे हुंडी भरा सकते हैं। हाँ, तो बाबा का ख्याल है जयपुर को जोर से उठाना है, वहां ही हठ योगी का म्यूजियम है, तुम्हारा फिर राजयोग का म्यूजियम ऐसा अच्छा बना हुआ हो जो कोई भी आकर देखे। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार, मीठे मीठे सी की लाधे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों के रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, बाबा ने बच्चों से कहा पवित्र ज्ञान को बुद्धि में धारण करने के लिए अपने बुद्धि रूपी बर्तन को सोने का बनाना है। याद से ही बर्तन सोने का होगा। ये आत्मा रूपी बर्तन कोई कीचड़ा भरने के लिए नहीं है, है ना। गोल्ड का प्योरिटी से, पवित्रता से, प्रेम से, ज्ञान से, आनंद से, शक्ति से, शांति से, है ना, भरना है। तो क्योंकि उसके निज गुण तो यही है, तो उसके लिए आपको व्यर्थ से समर्थ में रहना होगा, है ना। निम्न से श्रेष्ठ होना होगा। तो श्रेष्ठ कैसे होंगे? जब आप श्रेष्ठ संकल्पों से भरपूर होंगे, पवित्रता प्योरिटी से भरपूर होंगे, और पांच विकारों से जो कहना चाहिए दूर होंगे, है ना, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार से। दूसरा, बाबा ने कहा अभी ब्राह्मण बने हैं इसलिए शूद्र पने की सब आदतें मिटा देनी है, बहुत रॉयलिटी से रहना है, हम विश्व के मालिक बन रहे हैं, इस नशे में रहना है। वरदान है अपने दृष्टि और विरक्ति के परिवर्तन द्वारा सृष्टि को बदलने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। अपनी वृत्ति के परिवर्तन से दृष्टि को दिव्य बनाओ तो दृष्टि द्वारा अनेक आत्माएं अपने यथार्थ रूप, यथार्थ घर तथा यथार्थ राजधानी देखेंगी। ऐसा यथार्थ साक्षात्कार कराने के लिए वृत्ति में जरा भी देह अभिमान की चंचलता ना हो, तो वृत्ति के सुधार से दृष्टि दिव्य बनाओ, तब यह सृष्टि परिवर्तन होगी। देखने वाले अनुभव करेंगे कि यह नए नहीं, लेकिन यह एक साधु की डिब्बिया है। यह नए साक्षात्कार के साधन बन जाएंगे। स्लोगन है सेवा के उमंग उत्साह के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति ही सफलता का आधार है। सेवा के उमंग उत्साह के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति ही सफलता का आधार है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।